हाई एवरी वन, माई नेम इज अपूर्वा एंड आज मैं इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ. वो है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज एंड कैसे आप अपनी वाइब्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं. अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं तो आपने एक बात तो डेफिनेटली सुनी होगी कि आपकी वाइब्रेशंस हाई होना जरूरी है. वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे. प्लस मैं आपको ऐसी 13 टिप्स दूंगी जो कि आपको हेल्प करेंगी आपकी वाइब्रेशंस को इन्हांस करने में, बढ़ाने में. तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं. अगर बात की जाए इस पूरी की पूरी सृष्टि की, इस पूरी के पूरे ब्रह्मांड की, हमारी बॉडी की, हमारे आसपास की सभी चीजों की, तो हर एक चीज वाइब्रेशन है एंड हम सब ह्यूमन बीइंग्स वाइब्रेशनल बीइंग्स हैं. हमारे आसपास हर एक चीज है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक चीज की एक वाइब्रेशन होती है. अगर बात की जाए इमोशंस की तो हमारे 3 तरीके के इमोशंस होते हैं. एक तो हाई, न्यूट्रल एंड लो. हाई वो इमोशंस होते हैं जब हम बहुत हैप्पी होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत अमेजिंग, बहुत काम फील कर रहे होते हैं. न्यूट्रल यानी कि हम कभी कभी ऐसा फील करते हैं, ना ही हम ज्यादा खुश होते हैं ना ही हम बहुत लो फील कर रहे होते हैं, हम कहीं बीच में होते हैं, दैट इज न्यूट्रल. अगर बात की जाए लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज की तो क्या होता है, जो भी इमोशंस आपको बहुत ही बुरा या बेकार फील कराते हैं, चिड़चिड़ा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंगर, ये सारे के सारे हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं. तो जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो जो अच्छा इमोशन होता है, जो अच्छा मूड होता है, उसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है. एंड जब आप बहुत लो फील करते हैं तो आपकी बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी होती है. अभी बात करते हैं कि हेल्दी बॉडी यानी कि स्वस्थ शरीर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है. वो होती है 62 से 70 मेगाहर्ट्ज़. जब ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हमारी 62 हर्ट्ज से कम होना शुरू हो जाती है तो हमारे ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स हैं वो चेंज होने शुरू हो जाते हैं. अगर हम बात करें कोल्ड एंड फ्लू जैसी बीमारी की, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 58 मेगाहर्ट्ज होती है. अगर कैंसर जैसी बीमारी की बात करें तो उस केस में ह्यूमन बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 42 मेगाहर्ट्ज होती है. एंड जब ह्यूमन बॉडी मर रही होती है या फिर उसकी मरने वाली स्टेट होती है तो वो 20 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में बॉडी होती है. एंड हर एक स्टेट की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है. अगर आप खुश फील कर रहे हैं तो आपकी बॉडी की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या है वो डिफरेंट होगी. अगर आप बहुत लो हैं या बीमार हैं तो आपकी बॉडी की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कुछ डिफरेंट होगी. तो चलिए बात करते हैं कि आप इन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज को किस तरीके से इनहांस कर सकते हैं. नंबर 1, खाना. खाने से आप अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज इनहांस कर सकते हैं. 2 तरीके के खाने होते हैं, एक तो डेड होता है और एक होता है लिविंग. डेड में वो सब आते हैं जो काफी दिनों के रखे हुए हैमबर्गर्स होते हैं या फिर चिकन होता है. इनकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो बहुत लो होती है. अगर बात की जाए लिविंग ग्रीन्स की तो उसमें ब्रोकली आता है, उसकी काफी अच्छी खासी हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, या फिर व्हीट ग्रास की फ्रीक्वेंसी हाई होती है. तो आपको ऐसा फूड कंज्यूम करना चाहिए जिससे कि आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज है वो इनहांस हो, ना कि घटे. अगर बात की जाए खाने की, जैसे हैमबर्गर्स हो गए या फिर चिकन हो गया, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 3 to 5 मेगाहर्ट्ज़. अगर दूसरी तरफ बात की जाए खाने की, जैसे कि ब्रोकली हो गया, व्हीट ग्रास हो गया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 70 मेगाहर्ट्ज़ तक की होती है. अगर बात की जाए बादाम की या फिर रॉ एलमंड्स की, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 मेगाहर्ट्ज़. तो जो भी आप खाना खाते हैं वो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को इनहांस करने में बहुत हेल्प कर सकता है. तो हमेशा ध्यान रखें कि आप एक हाई वाइब्रेशनल खाना ही खाएं. खाना जितना ज्यादा ऑर्गेनिक होगा और अनप्रोसेस्ड होगा वो उतना ही बेहतर होगा. ज्यादा पका हुआ खाना होता है उससे भी खाने की जो वाइब्रेशन है वो कम हो जाती है. तो इसीलिए आपने डेफिनेटली सुना होगा जो लोग स्पिरिचुअलिटी का पाथ फॉलो करते हैं वो मोस्टली बहुत ही सिंपल खाना खाना पसंद करते हैं, जिससे कि उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो खत्म भी ना हो और वो उनकी बॉडी को और ज्यादा फायदा दे. अब बात करते हैं सेकेंड तरीका, वो है एसेंशियल ऑयल्स यानी कि एसेंस यानी कि खुशबू. अगर आप कोई अच्छी सी महक सूंघते हैं तो अपने आप से आपका दिमाग जो होता है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है एंड आप बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फील करते हैं. मेरा फेवरेट तरीका है अपने मूड को अपलिफ्ट करने का कि मैं परफ्यूम्स यूज करती हूँ या फिर मैं एसेंशियल ऑयल्स यूज करती हूँ. एसेंस जो होती है उसकी एक अलग वाइब्रेशन होती है,
आप माने ना माने, इवन खुशबू की भी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। अब बात की जाए रोज, रोज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एसेंस है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी की आप बात करें, इसकी फ्रीक्वेंसी है 320 मेगाहर्ट्ज़। आप समझ सकते हैं 320 मेगाहर्ट्ज़। अगर बात की जाए लेवेंडर के एसेंस की, तो उसकी होती है 118 मेगाहर्ट्ज़। तो अगर आपको अपनी वाइब्रेशन इन्हांस करनी है, तो आप अपने घर में या फिर अपने वर्क एरिया में आप डिफ्यूजर आते हैं, एसेंस डिफ्यूजर, आप वो भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी जो वाइब्रेशन है वो हाई बनी रहे। थर्ड तरीका है एक्सप्रेसिंग योर ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इज समथिंग, अगर आप इसे डेली परफॉर्म करते हैं, डेली मतलब डेली, आप कभी भी ये जो लो मूड या फिर ये सब चीजें हैं ये आप ज्यादा फेस नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस हमेशा हाई रहती हैं। ये मैं सिर्फ बताने के लिए नहीं बोल रही, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। एंड मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूंगी कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस डेली करें, ये बहुत ही ज्यादा मैजिकल चीज है। अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाए एंड डेली आप उन चीजों को थैंक यू बोलें, कृतज्ञ दिखाएं अपन जिस चीज के लिए आप थैंकफुल है। माने ना माने, ग्रैटिट्यूड बहुत ही मैजिकल तरीका है, ये हर एक चीज में काम करता है, आपकी वाइब्रेशंस को हाई रखने में, तो ये बहुत अमेजिंग है। नेक्स्ट है हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना। ऐसा कई बार होता है कि हम किसी बहुत ही बुरी सिचुएशन में होते हैं, बट हम हमेशा उसका नेगेटिव एस्पेक्ट पकड़ के बैठ जाते हैं। हमारी लाइफ में जो भी चीजें अच्छी हैं, हम उसको देखना बंद कर देते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उसी चीज पे फोकस करते हैं जो बहुत बुरा है, जो बहुत नेगेटिव है। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप भले ही कितनी भी बुरी सिचुएशन में, कितनी भी डल सिचुएशन में क्यों ना हो, आप हमेशा अपनी लाइफ में देखिए आपकी लाइफ में अच्छी चीजें क्या हैं, पॉजिटिव चीजें क्या हैं। एंड आई एम श्योर आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। तो अगर आप हेल्दी हैं तो अपने उस एस्पेक्ट को देखिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हेल्थ प्रॉब्लम से जूझते हैं, जो जिनका सपना होता है एक हेल्दी बॉडी पाना। तो कभी भी ये मत बोलें कि हाँ मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखें उस। एंड जब आप पॉजिटिव चीजों पर फोकस करना शुरू करते हैं, आपका जो मूड है, आपका जो दिमाग है, वो अपने आप ही चेंज होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाई वाइब्रेशनल लोगों के साथ आप हैंग आउट करें। अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं या फिर आसपास के लोग हैं या दोस्त हैं वो बहुत ही लो वाइब्रेशनल बीइंग्स हैं, तो डेफिनेटली आप उनकी वाइब्रेशंस को अपने अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं एंड आप भी सेम वाइब्रेशनल बीइंग बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए ध्यान रहे कि आप जब भी हैंग आउट करें, आप जब भी किसी से फ्रेंडशिप करें, वो एक अच्छा वाइब्रेशनल बीइंग पर्सन हो, जिसके साथ आप बात करते हैं, आपका जो माइंड है, जो मूड है, वो अपलिफ्ट हो। आप ऐसे लोगों के साथ ही कम्युनिकेट करें। नेक्स्ट है यूजिंग क्रिस्टल। आई एम श्योर ऐसे बहुत से लोग होंगे जो क्रिस्टल्स पे बिलीव नहीं करते हैं, एंड कुछ लोग करते हैं, तो इट्स टोटली फाइन अगर आप नहीं करते हैं, आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं। बट आप माने ना माने, क्रिस्टल्स की भी एक अलग वाइब्रेशन होती है। लाइक रोज क्वार्ट्ज़ होता है, उसमें लव की एनर्जी होती है, उसकी जो एनर्जी होती है बहुत सूदिंग होती है, बहुत काम होती है। एंड मेरे पास काफ़ी सारे रोज क्वार्ट्ज़ हैं, बिकॉज मुझे रोज क्वार्ट्ज जैसे क्रिस्टल्स के साथ रहना बहुत पसंद है। एंड ट्रस्ट मी, ये एक्चुअली में वर्क करते हैं आपकी वाइब्रेशंस को हाई करने में। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग वाटर। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कोई मेडिकल या फिर कोई ब्यूटी टिप मैं यहाँ पे नहीं दे रही हूँ कि आपको बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए। पानी के बहुत सारे फायदे हैं, आपके फिजिकल लेवल पे, आपके स्पिरिचुअल लेवल पे। पानी जो होता है वो आपकी बॉडी में एनर्जी को सर्कुलेट करता है, आपके अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जीज है उसे डिटॉक्स करता है, उसको हटाता है, उसको रिमूव करता है। आप ये मत सोचिए कि कोई फिटनेस से रिलेटेड टिप है, ये एक्चुअली में आपकी वाइब्रेशन को इन्हांस करने में बहुत फायदेमंद है। एंड पानी एक्चुअली में आपकी जो एनर्जी लेवल है उसको प्योरीफाई करता है। नेक्स्ट है मेडिटेशन। मेडिटेशन इज समथिंग जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये आपकी लाइफ को, अपने आप को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप कहीं ना कहीं सीख जाते हैं धीरे धीरे अपने थॉट्स को कंट्रोल में करना। एंड जब आप मेडिटेशन डेली बेसिस पे करेंगे, आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि आप कहीं ना कहीं अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाएंगे। आई नो इट इज टोटली इम्पॉसिबल टू कंट्रोल योर थॉट्स, बट अगर आप मेडिटेशन या फिर इस टाइप की प्रैक्टिसेस में रेगुलर रहते हैं तो आप अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं। एंड जब आप थॉट्स पे कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं आप उन पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। एंड जब आप ऐसा करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो वाइब्रेशंस है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, वो अपने आप
इन्हांस हो जाती है। तो ये बहुत ही अमेजिंग तरीका है। अगर आप मेडिटेशन करना नहीं जानते हैं तो प्लीज स्टार्ट कीजिए। आई कैन नॉट स्ट्रेस ऑन दिस इनफ, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ काइंडनेस। बट ये एक ऐसी चीज है, व्हेन यू डू समथिंग फॉर अदर्स, आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो आप कभी एक चीज नोटिस करना, आप खुद से, आप अंदर से कुछ अच्छा सा फील करते हैं। एंड दिस इज सो 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 ट्रू। एक्ट ऑफ काइंडनेस इज समथिंग जो अगला पर्सन है उसको तो अच्छा फील होता ही है, बट जो पर्सन उस पर्सन के लिए कर रहा है वो भी अंदर से अच्छा फील करता है। एंड ये बहुत ही अमेजिंग तरीका है अपनी वाइब्रेशंस को, अपनी फ्रीक्वेंसीज को हाई करने का। तो एक्ट ऑफ काइंडनेस इज समथिंग आप औरों के लिए कीजिए, आप अपने अंदर खुद से चेंजेस देखेंगे। मैं बहुत ही सिंपल सी चीज़ करती हूँ, एंड आई थिंक मैंने ये अपनी एक वीडियो में मेंशन भी किया था कि मैं बहुत सारे बिस्किट्स के पैकेट लेकर आती हूँ, एंड जो बेगर्स होते हैं मैं उनको बिस्किट के पैकेट दे देती हूँ, जो उनके बच्चे होते हैं, जो भी है। इट्स लाइक कि आई एक्चुअली फील गुड। एंड अगर आप ये चीज़ ट्राई करेंगे, ट्रस्ट मी, आप पहली बारी में ही अपने अंदर वो इमोशंस देखेंगे। नेक्स्ट इज समथिंग, दिस इज रियली वन ऑफ माई फेवरेट, मूव योर बॉडी, डांस। आप एक चीज नोटिस करना, जब भी आप डांस करते हैं, अपनी बॉडी को मूव करते हैं, आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो हाई हो जाती हैं, एंड आप अंदर से बहुत ही अच्छा अमेजिंग फील करते हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज आप ये चीज ट्राई करना, 5-10 मिनट आप किसी अच्छे से इंटरेस्टिंग से सॉन्ग पर डांस करके देख रहे हैं, जैसे भी आपका मन हो, नो जजमेंट, नथिंग, कोई आपको नहीं देख रहा है। एंड ट्रस्ट मी, यू विल फील अ शिफ्ट इन योर एनर्जी एंड इन योर फ्रीक्वेंसी। तो डांस इज समथिंग, अगर आपको अपनी वाइब्स हाई करनी है या फिर रखनी है, आप डांस का सहारा ले सकते हैं। ये फिटनेस के पर्पज से ही बहुत अमेजिंग है, अगर आप फिटनेस में ज्यादा ध्यान देते हैं तो दिस इज समथिंग आई थिंक यू ऑल शुड ट्राई। नेक्स्ट है माइंडफुलनेस या फिर ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। दिस इज समथिंग सो 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 अमेजिंग। अगर आप एंगर या फिर एंग्जाइटी जैसा कुछ फील कर रहे हैं, ऑल यू हैव टू डू इज लंबी लंबी सांसें लेनी है, उसको कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है और फिर उसको एकदम प्रेशर के साथ एक्सहेल कर देना है। मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको करना है, पहले एक सांस लेनी है, लंबी सांस अंदर लेनी है, उसके बाद से कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड कीजिएगा, उसके बाद से प्रेशर के साथ पूरी की पूरी सांस को आप मुंह के थ्रू निकाल सकते हैं, चाहे तो आप नाक के थ्रू भी, बट मैं प्रेफर करती हूँ मुंह से सांस छोड़ना, जिससे कि वो पूरी तरीके से एक्सहेल हो जाए। तो दिस इज समथिंग व्हाट आई डू। एंड जब भी मैं बहुत एंग्शियस या कभी कभी एंग्जाइटी जैसा फील, अगर मुझे 1% होता भी है, तो मैं डीप ब्रीदिंग का सहारा लेती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज सो 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 अमेजिंग। नेक्स्ट है अपनी बाहरी चीजों को अप्रिशिएट करना, उनको ऑब्जर्व करना। आई नो ये रिलेटेड है ग्रेटिट्यूड से भी और साथ में रिलेटेड है हमारे पॉजिटिव थिंकिंग वाले पॉइंट से भी, बट ट्रस्ट मी, दिस इज अमेजिंग। बाहरी दुनिया में जो भी चीजें हैं, आप सिर्फ उसे ऑब्जर्व कीजिए, सिर्फ उसको देखिए एंड उसको फिर अप्रिशिएट कीजिए, थैंक यू बोलिए। नॉर्मल छत पे जाइए, सिर्फ आकाश को ऑब्जर्व कीजिए, बर्ड्स घूम रही है उनको देखिए, जस्ट अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ दिस यूनिवर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप वो चीज़ें कीजिए जिसे करने से आपको खुशी मिलती है, या तो वो पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, या फिर कोई अच्छा गाना सुन के आपको खुशी मिलती है, या फिर कोई मूवी देख के, या फिर कहीं घूम के, या बुक्स पढ़ के, या फिर कुछ भी करके, एनीथिंग। ये बेस्ट तरीका है अपनी वाइब्रेशंस को इंक्रीज करने का। आपका मूड ऑफ है या फिर आपको अपनी वाइब्रेशन जस्ट नॉर्मली इन्हांस करनी है, रेज करनी है, तो ट्रस्ट मी, जो आपका दिल करता है वो चीज कीजिए। हमेशा अपने दिल की सुने, औरों के जजमेंट के बारे में बिल्कुल मत सोचिए कि कोई कैसे क्या बोलेगा आपको, दैट डजंट मैटर। अपने इनर चाइल्ड को मरने मत दीजिए, जस्ट डू व्हाट यू लव। ये चीजें आपकी वाइब्रेशन हाई करेंगी क्योंकि आप इन्हें पसंद करते हैं। एंड कभी भी अपने इनर चाइल्ड को मरने मत दें। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर योर अमेजिंग प्रीशियस टाइम, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव यू पीपल। यू पीपल आर अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, आई लव यू, एंड बाय।